टू थ्री गो। ये फार्म है। ये फार्म है। हैदर आपका स्टार्ट था। और ये करेंगे हम शिप की वॉल कट करेंगे। नहीं नहीं ऐसे नहीं, शिप की वॉल नहीं कट कर, बोलो शिप की वॉल नहीं कट कर। एवरीबॉडी वेलकम टू द फार्म। Good evening, everybody. Welcome to the farm. We are gonna cut some sheep's walls. अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को, उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। ये एक दफ़ा फिर जो है ना, वो दोनों फार्म पे एक साथ आए और मेरे सिस्टर वगैरह भी और फैमिली भी जो है ना, वो आज फार्म पे आई हुई थी तो एक अपडेट देनी थी, तो सोचा आज जो है ना बच्चे भी जो है ना वो साथ दिखा दिए जाए। अपडेट ये थी कि वो पर्दे का जो मैं जिक्र कर रहा था उसका एक सैम्पल हम लोग जो है ना वो समीद अभी लेकर आया है, तो वो भी दिखाता भी हूँ। कोशिश ये करूँगा कि उसको जो है ना अभी इनसे फ्री हो जाऊँ, ये बच्चे वगैरह इन्जॉय कर लें, फिर ये चले जाएँ तो इंशाल्लाह लगा के रात शाम हो जाएगी आई थिंक, लेकिन लगा के जो है ना मैं दिखाता भी हूँ। और क्या कहते हैं कि उसको देखना, असल में ये पार्टीशन जो है ना अलग अलग साइज़ के हैं, तो वो जो है ना हमने देखना है कि कितने साइज़ पे, क्योंकि ये है 18x15 का। मैं अभी खोल के दिखा दूंगा सब चीज़ें, फिर इंशाल्लाह जो है ना वो आपके साथ ही उसको लगाएंगे, और जो भी होगा फिर उस हिसाब से फिर हम बाकी के जितने पर्दे हमने और मंगवाने तो वो फिर हम मंगवाएंगे। तो मैंने सोचा जो है ना आज इसकी पर्दों की, मैं ये भी अभी समीद से ही हम डिटेल लेंगे इन पर्दों के हवाले से कि ये किस चीज़ के हैं और क्या प्राइस में मिले, क्योंकि ऑब्वियस है कि अब सर्दियां आनी हैं और आप लोगों को भी इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो बाकी जो है वो आपने देखी नहीं? देख ली आज इसके जो है ना वो मिल्क नहीं, आज इसके जो है ना शीप वॉल्स जो है ना इसको चाहिए, और कह रहा है बस वो काट के दिखाओ किसी तरीके से। सर अभी सर्दियों में नहीं कटती ना हैदर, सर्दियों में बाल नहीं कटते हैदर। इट्स वार्म आउट देयर। यस, नो इट्स नॉट वार्म, इट्स गोइंग टू बी कोल्ड। चले दोस्तों, आपके हिसाब से नहीं है ना बेटा? हाँ आपके हिसाब से नहीं है। चले जी मैं आपको पर्दा दिखाता हूँ फिलहाल कैसा है, कैसी क्वालिटी का, फिर उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, ये जो है ना वो पर्दा है, और समीद ने बताया है कि इसमें जो है ना उसने क्या कहते हैं होल्स भी करवा लिए अटकाने के लिए। अच्छा जी, ये सिंगल जो है मैं आपको पकड़ दूँगा, ये आई थिंक वाटर प्रूफ, पता नहीं। समीद, समीद से ही डिटेल लेते हैं क्योंकि समीद ही वहाँ से लेकर आया है। ये फ्रंट होगा आई थिंक, ये बैक होगा। बस ये दुआ है कि ये बकरे खा ना सकें। पिछली दफ़ा मैं आपको बिल्कुल पता ही होगा कितना परेशान किया है बकरों ने पर्दों के हवाले से। समीद या ज़रा इनकी डिटेल दो कि क्या पर्दा है, क्या कोई अगर उन्होंने इसके हवाले से इन्फो आपको दी थी, और क्या आमतौर पे ना दुकानों के शेड्स जो होते हैं ना उस पर लगा जाता है क्योंकि बारिश से भी रुक जाता है और हवा और उससे भी रुक जाता है। मेन मकसद वैसे तो हमारा हवा रोकना, और इसमें तो बिल्कुल आराम से रुक जाएगी हवा। वो हरा वाला मिल रहा था आपको पता होगा, जीन्स का होता है, जीन्स का तो नहीं होता, वो टेंटों में लगता है असल में ना, तो वो मैंने पूछा था पहले, वो मुझे अच्छा लगा था, लेकिन वो दूसरी दुकानों से पूछा तो वो बोल रहे हैं कि उसमें पानी है नहीं कि रसेगा अगर होता भी है, तो मैंने सोचा ये सिर्फ कपड़ा, उसमें असल में केमिकल लगा हुआ होता है, तो बारिशों के बाद केमिकल हट जाता है तो बाद में वो उसका जंग भी आता है उसमें, धूप अच्छा। लगती है तो और वो गलना शुरू हो जाता है कपड़ा, तो दूसरी दुकानों से पूछा। पहले जब गया था दुकान वालों ने बोला था कि ये सही है कपड़ा, लेकिन जब मैंने रिसर्च किया दोबारा दूसरी दुकानों पर, मतलब ये जो है इसका प्रेफर किया और ज़्यादातर लोग यही लेके जा रहे थे। सही, मुझे भी ये काफ़ी अच्छा लग रहा है कि जो उन्होंने मुझे ना यूं करके दिखाया रोशनी में ना, तो दूसरे उस कपड़े में ना आर पार रोशनी दिख रही थी, तो अच्छा साफ पता चल रहा था कि यार पानी रसेगा इसमें। अच्छा अच्छा अच्छा, गैप से वो भी आएगी हल्की। सही, लेकिन इसमें देखो कि बोला यानी कि मजबूत ये कपड़ा, कोई केमिकल नहीं लगा हुआ, बोल रहे 5 साल आप चलाओ बड़े आराम से। सही, जब जरूरत हो आप। तो ये साइज क्या है और कितने का जो है? अभी तो हमने एक बनवाया है एक्सपीरियंस करने के लिए कि कैसा लग रहा है हमारी जगह नपाई। वैसे तो 15 ही लग रही है, 12 फीट लग रही है, 12 लग रही है।
वो तो हम देख लेंगे, लेकिन ये जो पीस है ये कितना है? 12-18 का, 15-18 का पीस, 15x18 का। ये क्या कॉस्ट बैठा है? ये हमें 5,000 रुपए का पड़ा है एक पीस, 18x15 का एक पीस 5,000 का। कहाँ से लिया समीर? ये टावर से मैंने वीडियो बनाई है वैसे तो। अच्छा अच्छा, चलो ये अच्छा, वो मुझे नहीं पता था ये समीर ने बनाई है वीडियो, उसके चैनल पे फिर देख लेंगे हम सैम एंटरटेनमेंट पे, तो उसमें ये डिटेल से दिखा देगा। अच्छा, इसके अंदर क्वालिटी, लो क्वालिटी हाई क्वालिटी और थे या मतलब यही था? इसके अंदर सिर्फ यही क्वालिटी थी, क्योंकि ये कपड़ा है, ये जो हम लोग आमतौर पे लेते हैं ना, जो कपड़ा जो बगैर केमिकल के बगैर उसके होता है, ये वो कपड़ा है सिर्फ। अच्छा, आमतौर पे लोग यूज करते हैं अपने, आपने देखा होगा शेडों पे धूप से रुकने के लिए हम दुकान के आगे लगा हुआ, वो कपड़ा है। अच्छा, इसमें जो है ना ये जो जैसे होता है ना शलवार में नेफा, वैसे एक बनाया ताकि एक डंडा, दोनों नेफा। अच्छा, डंडे जो है ना हम इसमें डाल के फिर उसको ऊपर हैंग कर देंगे। और मैंने जो सोचा है वो ये कि ना जैसे ऊपर लटकाने के बाद इसको जब शाम होगी तो नीचे करेंगे सुबह तक, और फिर उसके बाद वापस सुबह होने के बाद जब धूप निकल जाएगी सही और बाहर निकालना होगा तो हम इसको ऊपर करके फिर जो है ना उसको खोल देंगे। तो ये अभी मैं ज़रा फैमिली से फ्री हो जाऊँ, फिर इसको हम लोग लगा के दिखाते हैं। वैसे तो शाम हो गई है तो, लेकिन ये है कि वो कुछ ना कुछ वीडियो बन ही जाएगी इंशाल्लाह, तो फिर कंटिन्यू करते हैं। अच्छा हैदर, आपको क्या करो, उल कटेगा उसको भाई। हैदर ने ज़िद की हुई थी तो जो है ना हमने बोला थोड़ा सा इसको जो है ना वो इसके बाल काट के दे दो भाई। सर भाई सर भाई, बाहर क्यों निकाल दिया तुमने? चलो ये लो, ये लो, लो पकड़ पकड़ हैदर, पकड़ो इसको, पकड़ो बूट। वैसे वो बाल वाली साइड नहीं, थोड़ा सा ऐसे ऐसे काट देते कि बुरा ना लगे। ये उठा लो, ये पकड़ो, बस बस बस, ये आ गया बोल। अच्छे फूल आ गया आपकी ना बस बस। चलो इसको आप शॉपर में डाल लो, ले जाना ये हैप्पी ना, सही। थैंक यू कहो अंकल को, थैंक यू अंकल, उधर वो रहे अंकल, थैंक यू अंकल, क्या फॉर सीटिंग टू मॉल, यस, आर यू हैप्पी नाउ? या आई एम हैप्पी। ले पकड़, नहीं नहीं अंदर पकड़ पकड़, नहीं ना ग्रैब इज हियर, हैदर ग्रैब इज हियर, कान पकड़ो उसका, आपकी मम्मी आ गई सर भाई, अंदर कर दो, कान पकड़ो पकड़ो, ये सब ले या नहीं, पकड़ के रख रहा, पकड़ के जोर से पकड़ो, पकड़ के रख, आई कैन हैव अ राइट, नहीं नहीं नसर भाई बस बुरी बात, चलो चलो भाई बंद कर दो इसके। देखो नसर भाई, वो बांस का कलर लग गया है उसके चेहरे पे, ये सुबह धो देना, साफ कर देना। अच्छा जी, कल तो तसल्ली से आप लोगों को इन सब की अपडेट दे दी, बस आज की, आज थोड़ा सा चेंज हो गया बच्चों के साथ, बाकी जो है वो उसके पर्दों की जो है ना फिर लगाते, पर ये लोग चाय वगैरह पी के निकलते हैं, फिर इंशाल्लाह मैं जो है वो कंटिन्यू करता हूँ। चले जी, हाँ चलो, अब चले भाई, घर वाले चले गए तो थोड़ी सी रोशनी अभी है। सबसे पहले ऐसा करो, इस तरफ वाले पार्टीशन में नहीं कर लें, अगर लग जाते हैं तो इधर, क्योंकि इधर सबसे ज़्यादा हवा वाला है सीन। अच्छा चलो चलो, कहाँ लगा? नहीं नहीं, अगर लग जाएगा तो लगा के छोड़ देंगे, या तो छोटे वाले बच्चों वालों पे लगा दो। अच्छा सिर्फ वो कर रहे हो आप, सर भाई बांस नहीं रखे अपने? अच्छा अच्छा भाई, कोई बांस रखा हुआ नहीं है, नसर भाई का कहना है तो अभी सिर्फ साइज देख रहे हैं कि इस पार्टीशन में जो है ना, तो समीद उस बीच वाले पार्टीशन का साइज तो चेंज है थोड़ा, वही देखना है पहले, देख लेते ना कितना बड़ा आ रहा है यार। ये 15 नहीं है समीद, अगर 18 तो लग रहा है, लेकिन नीचे से 15 नहीं लग रहा, ये पूरा खुल गया नीचे से, ये छोटा है यहाँ तक है, और नीचे से भी छोटा है, ढक तो जाएगा लेकिन ये पूरा नहीं ढकेगा। समीद ये इस पे चढ़, नहीं 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 नहीं, अच्छा ये खुला ही नहीं था पूरा, जिसमें बांस परोना था वो गलत लगा दिया, ये तो पूरा है, चढ़ समीद। चलिए मैं थोड़ा सा और पीछे हो जाता हूँ, नसर भाई देख के साइज तो सही है,
सही है, तो इसका मतलब है बड़े पार्टीशन में आ गया तो छोटे में तो ऑब्वियस है आ जाएगा। शाबाश समीर, देख के गिर नहीं जाना। और हमने नसर भाई जो नीचे लगाना है ना, नीचे बांस, वो थोड़ा आगे रख के लगाना है ताकि बकरे खाए ना, खा ना सके। नहीं नहीं सही है ये पता है, मेरी बात तो सुनो। ये जो है ना नसर भाई, नीचे बड़ा, हाँ ना ये हमने आगे रखना है, हाँ ये ढलान में रखना ताकि बकरे खा ना सके, समझे? ये ऐसे रहेगा। अरे समीत, हद हो गई समीत, दू वापस। समीत कड़े तो हैं लेकिन ये इन्होंने गलत बना दिया ना, ये साइड में बना दिया। ये तो बड़ा वो गलत हो गया। अच्छा मैं ज़रा इसको खींच रहा हूँ यार, हम इसको इस तरह स्विच भी तो कर सकते हैं समीद, हम कर सकते हैं ये, यूं कर सकते हैं, आई थिंक हो जाएगा ये यूं जो पहले कर रहे थे। नहीं ना छोटा नहीं लग रहा मुझे ये, उस टाइम पूरा खुला नहीं था यार, ये देख तो अच्छा खासा है। स्विच करो स्विच करो सर भाई, आप छोड़ो आप ये छोड़ो, अच्छा ये छोड़ो, हाँ ये छोड़ो और नीचे करो आप, छोड़ दो समीद, अरे छोड़ो तो मैं दे रहा हूँ आपको ये समीद, ये पकड़ ज़रा स्विच करके देख लेते हैं, पॉसिबल है क्या? मुझे तो लग रहा हो जाए, हैं? हाँ अच्छा, छोटे पार्टीशन में लग जाएगा ये, यहाँ लग जाएगा समीद, ये यहाँ लग जाएगा। अब आप दूसरे जो दो और बनवाने ना, समीत को फोन आ गया दोस्त का, नसर भाई ये ना ये वाला पर्दा जो अभी लाए हुए ये यहाँ लग जाएगा आराम से, क्योंकि ये काफ़ी छोटा है इससे, इस पार्टीशन, इसको यहाँ से उतारो, ऐसा करो, हाँ इसको छोड़ दो, आप वहीं खड़े रहो समीत, ये वाला पर्दा यहाँ लगा के देख लेते हैं ऐसे ये, ताकि जो हम कर चुके हैं वो तो यूज़ हो जाए। अरे तब ले करा हुआ है, क्या करोगे आप इसका? बछड़ों में कर लेंगे, कोई मसला नहीं है, तो पहले फिलहाल आ जा इधर आ जा, एक मिनट यहाँ अटक गया। हसर भाई देख लो अभी से ना फट गया, हंस ना जाए समीर, यहाँ पे चढ़ के अब यहाँ पे कर, वो देखो चेक कर रहे हैं, चेक कैसे कर रहे हैं, यहाँ तो आराम से हो जाएगा ये, सारे चेक करने आ गए, खाने के लिए कोई नई चीज़ आई है, वही तो कह रहा हूँ यहाँ। समीर इधर करो, थोड़ा इधर करो नसर भाई, थोड़ा ढीला छोड़ो, भाई इस दफ़ा हमने सोचा जो है ना वो काम जो है ना तरीके के कर देते हैं, पहले भी जो देखा था आमतौर पर टाट की बोरियों का वही किया था लेकिन वो कामयाब नहीं था। ये चबाना तो इन्होंने ये भी शुरू कर दिया फिलहाल, अरे चलो फिर, अगर अभी नहीं लगा सकते, नहीं अटका नहीं सकते तो फिर गिरा दो, उतार लो, बस चेक तो कर लिया है ना, ये यहाँ के लिए सही रहेगा। देख के भाई गिरना नहीं दोनों। उधर जाता हूँ मैं, जरा बकरों को भी हटा लेता हूँ।
बकरों का अंदर बंद नहीं कर दें। अरे यार दरवाजा कहाँ? अरे क्या हो गया? आ रहा, एक मिनट आया, एक मिनट आया, एक मिनट आया। अच्छी बात है, देख खाना शुरू। ये देख, ये देख खींच रहे, ये इधर वाले भी खींच रहे। ये कहाँ अटका हुआ है? बकरा घुसा हुआ है मुझे लग रहा है कोई। ओ भाई अंदर बक... बकरा घुसा। ओए बारा चुन्नू मुन्नू, चुन्नू मुन्नू दो घुसे हुए। चलो वे डबल लगा रहे हो, अच्छी बात है। और ये तो कड़कती सर्दी में भी जो है ना वो हवा इंशाल्लाह नहीं घुसेगी। सेंटर कर लो, नसर भाई वो कह रहा है बेहतरीन, डबल हो के पूरा हो गया। अगर हो सा, अगर ये इतना ही है तो इसको कट करके फिर हम दूसरी जगह यूज़ नहीं कर लें। डबल की वैसे तो ज़रूरत नहीं, वैसे ही सिंगल इतना मोटा ही है। दो बन जाएंगे। नहीं ये जो आपने ये पकड़ा हुआ ना, ये 15 है, ये तो 15 है, ये 15 है, लेंथ 18 है, 18 9 9 18 है ना, 9 फीट नीचे से थोड़ा सा ही उठा हुआ है जो कि, लेकिन हमें समीत वो करना था ना, आगे रखना है ताकि बकरे खा ना जाए। अबे खाएंगे भाई, खोद खा जाएंगे ये। ये किनारे से हल्का हल्का चबा, अबे भाई पीछे वाले दांत से चबा चबा के हल्के हल्के से कर देते हैं। कर लेंगे बात, मान ले नहीं कर। अरे नसर भाई गारंटी दी नहीं जाएगा, और वो उसको बोल वापस देगा दूसरा अगर खा लिया इसको। अच्छा चलो अब उतार जाओ, अगर नहीं लगा सकते चल चेक कर लिया ना, अब सोच लेते हैं उतार के, सोच लेते हैं फिर क्या करना है। भाई देखने वालों से भी रिक्वेस्ट है अगर कुछ जो है वो मशवरा। अरे यार बाइक बाहर निकल गए सारे। माशाल्लाह। अरे भाई एक ही जगह चबा चबा के ना कर देंगे ये उसको खराब। क्या सोच रहे हो फिर समीर? अबे तू टेस्ट कर रहा है? नहीं खाएंगे, टेस्टिंग चल रही है सर भाई। इनमें बकरों में ना थोड़ा सा दाना कम करो, बहुत बचा रहे हैं ये तो, बहुत ज़्यादा बचा है वो। चार तीनों खुल्लियों में, तीनों खुल्लियों में बचा हुआ है। ये पेशाब पेशाब कर देंगे यार, गंदा कर देंगे अभी से। बस मुंह ही मार रहे हैं, ये छोटे हैं है। ये देखो ना ये चबाया है इसने, चबाया ही चबाया है मगे पक्की है ये बस। नसर भाई ये देखो, ये देखो नरम कर दिया उसने। अच्छा चलो फिलहाल हटा लो इनको यहाँ से, पर्दा फाड़ ले आओ। चले जी अभी ज़रा देखते हैं इसको, नतीजा क्या निकल रहा है इसका सोचते हैं। बाहर ले आ, बाहर ले आ पहले, सही है बाहर ले आ। सर भाई तीनों छोटे वाले बकरों में तीनों खुल्लियों में दाना बचा हुआ है, सही नहीं खा रहे इसका मतलब है ये लोग, इनको भूख कम हुई भी इनकी। अच्छा जी तो देखने वालों से रिक्वेस्ट है भाई, अगर वो कुछ सजेस्ट करना चाहें कि हम कैसे इसको जो है ना, आया जो हमारे सोच, मैंने जो सोचा हुआ है कि एक जैसे वो ऊपर कर देते ना पर्दे,
वैसे सोचा है तो वो ज़्यादा सही है, या फिक्स कर दें कि भाई साइड से गेट बना दें और बाकी वो जो है ना मुस्तकिल पर्दा रहे ऊपर से लगा हुआ, तो वो रहने दें, गंदा हो गया सारा। तो या जो है वो साइज, फिर दूसरा इसके अलावा है ना साइज, मिल जाएगी ना साइज। अच्छा बनेंगे ये। चलो क्या कह रहे हो, ये रही ना डोरी, अच्छा वो साइज कितना कितना है ये भाई देखो ना, ये तो 15 है। फीता लाओ। चले जरा फीते से नापते हैं, ये फीता जब तक आता है नापते हैं फिर कंटिन्यू करते हैं। चले जी फीता आ गया है, साइज जो है ना नाप लेते हैं। बकरों का ख्याल करते हुए जो है ना हमने घुसना है, और थोड़ा सा मतलब रखो वहीं ताकि क्या हुआ अटक गया। हाँ कितना आ रहा है, 23। वाह यार ज़्यादा पीछे जा रहे हो। नहीं नहीं दीवार पे रखा हुआ उन्होंने, अच्छा हुआ ना नाप लिया, हम 20 समझ रहे थे, 23 ये है। वहाँ का फिर अलग नापो, वहाँ का अलग होगा, वहाँ का समीत अलग होगा, फिर देखिए खाना जाए वो देख खाना जाए। चले दूसरा नापते हैं, कितना है समीर यहाँ का। हाँ तो जब ही तो पूरा आया था, ये रहा ना 15 ही तो है, 15 फिट ये देख सही है, 20 होगा। एक मिनट, अच्छा जी यहाँ का कितना आ रहा है समीर, खींचो थोड़ा सा, 18 से थोड़ा कम है, 17.5 फिट है, 18 फिट ही ले लो आप। हाँ चलो अच्छा हो गया ये फीते, 23 अच्छा ही हो गया ना, ये नाप लिए एक्यूरेट जो है ना आप साइज के हिसाब से। अच्छा हाँ 23 15 और 18 कट जाएगा उसमें से, 9 18 किस में से जो लाइव है, 9 15 जो लाइव है उसको कहाँ यूज करें अब, 9 15 बछड़ों में देख लेते हैं साइज को, तो बछड़ों के अंदर भी तो अच्छा बछड़ों का नाप लो ना, वो भी तो टोटल नाप लो। ये तो पूरा ही बंद करना है बस थोड़ा सा, भले असर भाई डीसी भी जो है ना फिर ठीक है यूज कर लेना। अगर पूरा बंद करना है अठारह तो गुजर गया होगा कब से, जरा आगे आ जाओ आप, आगे आओ तू, पहले इस जगह को नाप ले यार, ये यहाँ तक कर दे, यहाँ तक हाँ इस तक, ये यहाँ तक कर दे, ये बाकी जो हिस्सा ये खुला रहने दे बस, आगे आ जाओ। नहीं ना क्यों पूरा पूरा करना जाओ, वहाँ तक जा रहे हैं ना, जाते रहो खेचो जाते रहो, ये बोलो 23 क्यों लिखा हुआ है, जाते रहो। हाँ बिल्कुल किनारा वाला किनारे तक बस 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 यहीं तक, घूमो नहीं, किनारा किनारा हाँ बस उसके पिलर के किनारे 40 सही 40 फीट है ये, एक 40 फीट का 40 बाय ये ऊपर से नाप, ऊपर से नाप कितना आ रहा है ये, 8 फीट आए थे क्योंकि इस बांस तक का ही कर लो, ये 48 पे है। अबे गिर अबे ऊपर से गिर गया, 14 फीट है, अब
पैर रखा हुआ ना। क्या 14 फीट है ये अबे समीत कैसे हो सकता है 14 फीट? क्या हो गया तुझे? 14 फीट आया है। अबे बोल ना, वो गिर गया। ऊपर जाना पड़ेगा ना, इसको लटकाना पड़ेगा ना। अबे यार समीत हद हो गई, 14 फीट, 14 फीट तेरा हाथ 14 फीट तक चला जाएगा। ये है 8 फीट है, 8 फीट है, 8 फीट, 8 फीट है। पौने 8 या 8? अरे नसर भाई, हाँ है कोई कील वील है कुछ? अब नीचे करना जल्दी, नाप लो, उन्होंने रखा हुआ है हाथ। हाँ दूसरी तरफ 9 फीट नहीं है ना, ये रहा ना कम 6, हाँ 8.5 फीट, 14 फीट। नहीं ना, अगर देखो ये आपने ऊपर किया हुआ ना इसका 6, मैंने सही कही इस पिलर तक वो है 8 फीट है, हाँ थोड़ा नीचे तक रहे, कोई इशू नहीं है। थोड़ा उसमें पत्थर वत्थर डाल के लटका के देंगे तो भारी रहे, उड़े ना। और ये 40 फीट, 40 बाय आपने 9, अगर पूरा पीस हो जाए तो जरूरी नहीं, वैसे 20 बाय आप 9 कर लो। हाँ अब वो नाप लो, ये एल शेप में जो बंद करना है। पीछे की तरफ तो इतनी हीट है, मैं अभी देख रहा था जानवर देखने गया था, काफ़ी हीट है, तो पीछे की तरफ जरूरत मेरे ख्याल में ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं इंशाल्लाह, जो छोटे सा भी थोड़ा सा खुला हुआ है ना भी लगाना पड़ेगा। अगर बहुत ठंड हुई नसर भाई तब शायद होगा वो, वरना तो यहाँ है अंदर गर्मी हो रही है मतलब बाकायदा। हाँ अच्छा रहेगा ना यार, गर्मी लगेगी ठंड में तो। ये कितना है? 28 देख, 20 बाय 9, और ये थोड़ा सा वो है वाला, इधर मुका लेते हैं वो है ना। ये कितना है? ये 28 है, 28 9 18 है समीद, वो फिर 8 ना तो बढ़ेगा फिर भी, वो 9 नहीं है वो 18 है, 18 है अगर काटेंगे तो 9 बन जाएगा ना, मैं ही कह रहा हूं। अगर वो एक वहां लगा देते हैं बाकी इधर लगा देंगे। अच्छा पता नहीं क्या हिसाब बता रहे हैं, अब मैं पता करता हूँ इससे, बाकी है ना ज़रा देख लेते हैं जानवर खैरियत से हैं। देख तो लिए हैं मैंने, दिन की रोशनी में देख लिए हैं सारे, माशाल्लाह से सेट हैं। बस ये डरती रहती है, ये अभी तक सेट नहीं हुई है, मतलब डरपोक बनी हुई है, पास जाओ तो बहुत भागती है, दूसरों को जो है ना तकलीफ देती है। इरफान भाई वाला माशाल्लाह से डबल स्पीड में बढ़ रहा है, राजा भाई कम हो जा रहे हैं। हाँ बस मुझे चाटना है इसने, बस चारा बचाया हुआ है इसने, बाकी सबने खाया हुआ है इसने बचाया, मुझे नहीं चाट, चारा खा, चारा निकाल ले मुझे चाट, ये चाट लो। जबान इतनी खुरदुरी होती है। चले दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो एंड तक देखने के लिए, ये वीडियो भी काफ़ी लॉन्ग हो गई, और जो है वो मैंने सोचा कि आप लोग जो है ना पर्दों के मामले में इन्वॉल्व रखूं। अब ये है कि देखते हैं क्या होता है, बाकी के पर्दे भी फिर इंशाल्लाह उस हिसाब से ले आएंगे इंशाल्लाह, और कोशिश यही है कि एक हफ़्ते के अंदर अंदर ये काम कर लें। अभी तो ऐसा है मामला है कि काबले बर्दाश्त भी है, कोई इतना बहुत ज़्यादा ठंड नहीं, बहुत रात के 4-5 बजे ज़्यादा होती है, लेकिन शेड के अंदर फिर भी नहीं है, तो इसलिए अभी जहाँ मैं खड़ा हुआ इनके दरमियान, तो यहाँ तो बाकायदा एक बहुत ज़्यादा गर्म जो है ना एक माहौल हुआ हुआ है बेहतरीन करके। तो बछड़ों में और बछड़ियों में तो ख़ास वैसे भी फ़र्क नहीं है, मतलब ज़रूरत नहीं है इन चीज़ की, इसमें थोड़ा टाइम फिर भी चल जाएगा। बकरों के लिए कि हम पहले से पहले चाह रहे हैं कि उनको बंद कर दें। चलें दुआओं में बहुत याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।